आज के वीडियो में आपको दिखाएंगे कि आप अपना आधार कार्ड इनरोलमेंट नंबर से डाउनलोड कैसे करोगे। इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप फुल प्रोसेस दिखाएंगे कि आप अपना आधार कार्ड जो है वो इनरोलमेंट नंबर से डाउनलोड कैसे करोगे। तो यूडीआई ने बहुत सारे चेंजेस और बदलाव लाए हैं वेबसाइट पे। जब आप अपना इनरोलमेंट नंबर डालते हो तो वहां से आपको दिखाता है इनरोलमेंट नंबर नॉट फाउंड। वो क्यों दिखाता है? क्योंकि आप जो है वो इनरोलमेंट नंबर डालने में मिस्टेक करते हैं। तो इस वीडियो में आपको पूरा लाइव डेमो दिखाऊंगा मैं कि आप अपना इनरोलमेंट नंबर कैसे फिल करोगे और आप अपना आधार कार्ड जो है वो इजिली डाउनलोड कर पाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आपको आना होगा अपने मोबाइल फोन पीसी या कंप्यूटर के ब्राउजर पे। ब्राउजर पे आने के बाद आपको सर्च करना होगा UIDAI। सर्च करने के बाद आपके सामने UIDAI का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो आ जाएगा, तो आपको ओपन कर देना है। ऑफिशियल वेबसाइट ओपन करने के बाद यहाँ से आपको अपनी जो लैंग्वेज है वो सिलेक्ट करनी है, चाहे आपकी हिंदी हो या इंग्लिश हो। तो उसके बाद आपको यहाँ पे इंग्लिश सिलेक्ट कर देनी है। इंग्लिश सिलेक्ट करने के बाद वेबसाइट ओपन होने के बाद यहाँ पे आपको पहली ऑप्शन आ रहा है माय आधार का, तो आपको इस पे राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन आ रहा है डाउनलोड आधार। मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा, वहां से आप क्लिक करके डायरेक्टली साइट पे आ जाओगे। तो आपको डाउनलोड आधार पे क्लिक करना है। जब आप डाउनलोड आधार पे क्लिक करते हो तो आपके सामने लॉगिन पेज जो है वो ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन आ रहा है डाउनलोड आधार का, तो आपको यहाँ पे इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे पहला जो ऑप्शन आ रहा है आधार नंबर का, अगर आपके पास आधार नंबर है तो आपको फिल कर देना है। अगर आपके पास, मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा कि इनरोलमेंट आईडी से आप अपना आधार कार्ड डाउनलोड कैसे करोगे, तो आपको यहाँ पे इनरोलमेंट आईडी सिलेक्ट कर देनी है। इनरोलमेंट आईडी सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको फिल करनी होगी अपनी इनरोलमेंट आईडी। और मैं आपको अब दिखाता हूँ जब आप अपनी जो गलती करते हो इनरोलमेंट आईडी डालने में। जैसे आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे 28 डिजिट इनरोलमेंट आईडी जो है वो फिल कर दी है। तो पहले आपको जो 14 डिजिट होगी एनरोलमेंट आईडी वो फिल करनी है। उसके बाद जब आपको डेट का टाइम आएगा तो आपको पहले यहाँ पे जैसे देख सकते हो मैंने पहले ईयर सिलेक्ट किया, उसके बाद मंथ आपको डालना होगा, मंथ के बाद आपको डेट डालनी है। तो उसके बाद जब आपको टाइम की बारी आएगी तो आपको टाइम जो है वो कंटिन्यूसली वैसे ही फिल कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे कैप्चा फिल करना है। कैप्चा फिल करने के बाद आपको सेंड ओटीपी पे क्लिक करना है। सेंड ओटीपी पे क्लिक करने के बाद जैसे आप देख सकते हो ओटीपी डिस्पैच जो है वो हो गया है आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे। उसके बाद आपको यहाँ पे ओटीपी फिल करना है। ओटीपी फिल करने के बाद आपको यहाँ पे वेरीफाई एंड डाउनलोड पे क्लिक करना है। जब आप वेरीफाई एंड डाउनलोड पे क्लिक करोगे तो आपका जो आधार कार्ड है वो सक्सेसफुली डाउनलोड हो जाएगा। तो अगर आपको फिर भी प्रॉब्लम आ रही है डाउनलोड करने में तो मुझे कमेंट कर देना। और हाँ, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। थैंक यू।